अच्छा, आप कैसा फील कर रहे हैं? फाइन। सिर्फ फाइन? बेटर। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए, मेरा काम खत्म हो गया, अब आराम से। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका सेशन एकदम स्मूथली गया। आपको एक्सरसाइज में कोई दर्द भी नहीं हुआ और आपने दर्द की कोई कूं-कां वाली आवाज भी नहीं की। या फिर आप नाटक कर रहे थे, या फिर आपको मेरा सेशन इतना अच्छा लगा कि आप ये आऊ की आवाज करके मुझे डिस्करेज नहीं करना चाह रहे थे, है ना? अच्छा चलिए, सो जाइए, मुझे आपका स्लीपिंग पोस्चर देखना है कि करेक्ट है कि नहीं। रिलैक्स कीजिए, थक गए होंगे। एक मिनट, आप राइट साइड पर होकर सोइए, अपनी सांस लेने में ना आसानी होगी। राइट साइड। और अब आपका सेशन अच्छा हुआ है तो आपको आराम भी मिलेगा। मैं जानती हूँ विराट सर, आप कई दिनों से चैन से नहीं सोए हैं, एंड आई रियली होप कि आज आपको चैन की नींद आए। गुड नाइट विराट सर। आई लव यू। सम्राट दादा, सम्राट दादा, मैंने फिजियोथेरेपी सेशन खत्म कर लिया है, विराट सर को आराम मिल गया है और वो अभी चैन की नींद सो रहे हैं। सॉरी कि मैं ऐसे बीच रात में तुम्हारे रूम में ऐसे आ गई, लेकिन मैं पहले नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी। वीरू कैसा है अभी? देख के तो लग रहा है कि वो भी ठीक है। चलो गुड। और आप कैसे हुआ? मतलब मैं तो ठीक हूँ, आई एम फाइन। नहीं कुछ नहीं, वो आप विराट सर का जैसे हालचाल पूछ रहे हैं ना, वैसे ही मैं आपका हालचाल जानना चाह रही थी। किस बारे में पूछ रहे हो उसे? पता नहीं मेरा पूछना बनता है या नहीं, लेकिन बुआ ये राजीव कौन है? तुम क्यों पूछ रही हो और तुम्हें उसका नाम कैसे पता? सॉरी बुआ, एक्चुअली मैंने आपको पार्सल लेते हुए देख लिया था और फिर आपने वो पार्सल गुस्से में फेंक भी दिया। मुझे बस ये देखना था कि उसमें ऐसा क्या है जो आपने इतने गुस्से में फेंक दिया। फिर मैंने वो पार्सल खोला और उसके अंदर एक लेटर भी था और उसमें लिखा था कि शट अप, जस्ट शट अप सर। बुआ तेरे विराट सर जग जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। बुआ बुआ प्लीज, अब तुम होती कौन?
कौन हो मुझे कोई भी सवाल पूछने वाली? बुआ, मैं सच में आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने आपको उदास देखा, मैं उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। और आप पार्सल देखकर इतनी अपसेट हो गई थी कि आपने खुद को सबसे अलग कर लिया। पूरा दिन आप इस कमरे में बंद रही। देख सही, मैं सिर्फ बाबा वीरू के सेहत के बारे में पूछने आई थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और वीरू का नाम क्लियर किया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें हक दिया मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी सवाल पूछने का। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, जस्ट लीव मी अलोन। सॉरी बो, जस्ट गो। इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती शिवानी बुआ। मैं जानती हूँ आपने मुझे इस मामले से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत जल्द पता लगा के रहूंगी कि राजीव कौन है और आप इतनी दुखी क्यों हैं। मुझे ना पता था कि आप जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैं खुद ही बोल देती हूँ। गुड मॉर्निंग, और सई जोशी आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हारी फीस। ए नाइस, मैंने आपका ट्रीटमेंट किया और अब आप मुझे उसकी फीस दे रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी फीस नहीं है, ये मेरी पहली कमाई है जो मुझे मेरे पति आईपीएस विराट चव्हाण दे रहे हैं। तुम्हारा आइडिया काम कर गया और तुम्हारी ट्रीटमेंट भी, सो ये लो। तो फिर नेक्स्ट सेशन कब करूं? कभी नहीं। दुनिया में और भी डॉक्टर्स हैं, उनकी हेल्प ले लूंगा। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ऐसे भी कुछ दिनों में तुम तो डॉक्टर बन ही जाओगी। और जो हमारी वो डील थी वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सो थैंक यू। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं पहले भी मेरा कितना ख्याल रखती थी। अब भी कितने एफर्ट्स ले रही हो, लेकिन ये केयर और ये कंसर्न तब कहां चला गया था जब तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पूरी दुनिया ने मुझ पर उंगली उठाई।
लेकिन जब तुमने मुझ पर उंगली उठाई तब मैं पूरी तरह से टूट गया। मुझे पता है आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। आपने मेरा कल रात का मैसेज पढ़ ही लिया होगा शायद, फिर भी मैं खुद ही आपको ये बात बताना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है आपको आपके बेटे की कितनी चिंता होगी। विराज सर का कल का सेशन बहुत अच्छा रहा, उनकी मसल्स भी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी और सेशन के बाद उन्हें आराम भी मिला और वो काफी चैन की नींद सो भी गए। उनका दर्द चला गया था आई, लेकिन आई सिर्फ एक सेशन से कुछ नहीं होगा, उन्हें कम से कम दो और सेशन की जरूरत है और फिर उसके साथ साथ उन्हें खुद से भी कुछ एक्सरसाइजेस करनी होंगी। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, चिंता मत कीजिए, मैं वो दो सेशंस नहीं करने वाली। विराज सर चाहते हैं कि मैं इन सब मामलों में नहीं पढूं, मेरा इन सब में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे, तो मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी। और वैसे भी अब तो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होंगे ना, बस मुझे यही बताना था आपको। मैं कॉलेज जा रही हूँ आई। आई अब मैं कुछ देर यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप होंगी ना विराज सर के पास उनका ख्याल रखने के लिए। ओके आई तो मैं चलती हूँ। अरे वाह वेरी नाइस, ये तो आपने एकदम मैसेजेस की तरह किया, वहां पर भी अगर किसी को किसी से बात नहीं करनी होती ना तो ऐसे थम्स अप दिखा देते। गुड आई मैं चलती हूँ, बाय। पहले जब ये कॉलेज जाती थी तो मैं खुद अपने हाथों से उसे खाना खिला के भेजती थी और अब तो इसे मैं पूछ भी नहीं सकती, कुछ खाया क्या, भूख लगेगी तो क्या करोगी। आखिर वक्त के साथ साथ बहुत सारी बातें बदल जाती। अरे मोदक क्या बात है, लगता है कल आपकी थेरेपिस्ट ने आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। देखिए रेटिंग देना मत भूलिएगा, 5 स्टार। अरे खड़ूस जासूस, मतलब जब देखो मुंह फुलाए रे। जैसे वैनी कुछ भी बोलो, आपने विराट दादो को होली में क्या हंसाया और क्या नचाया, नॉट बैड। थैंक यू। वैनी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बिल्कुल करते हैं ना, लेकिन अभी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, बाद में। भाई मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इसी बहाने बात भी कर लेंगे। नॉट बैड। चलो वहनी, मैंने कल रात को आपका फैमिली ग्रुप में मैसेज पढ़ा था और मैं विराट दादा को देखने ऊपर भी आया था, मैंने झांक के देखा और वो कल के मुकाबले और भी ज्यादा फिट लग रहे, उनका तो दर्द भी गायब हो गया। वैसे बहनी कुछ भी बोलो, आपका जादू फिर से वापस दादा पर चली गया। हाँ और मैं इसलिए आज आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मोहित भैया आप सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं? हाँ बहनी, और मैं आपको सिर्फ थैंक यू नहीं आपको सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। बहनी मुझे यकीन हो गया कि आप दादा का बुरा हरगिज नहीं चाहते, बल्कि आप तो उनकी परवाह करती हैं, आप उनका ख्याल रखना चाहती हैं।
इनफैक्ट आप विराट दादा का ही नहीं, आप हमारे पूरे परिवार का कितना ख्याल रखती। आई एम रियली सॉरी वहनी, मैंने आपको गुस्से में न जाने कितना कुछ सुना दिया, मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा है। वहनी क्या प्लीज अपने मोहित भैया को माफ कर देंगी? लगता है आपका भी इलाज करना पड़ेगा, वो भी अच्छे से। इलाज मेरा क्यों? हाँ, क्योंकि आप कितना कुछ भूल चुके हैं। क्या आप भूल गए हैं ना कि फैमिली में आपस में ये सॉरी सॉरी नहीं बोला जाता। सॉरी। और वैसे भी मोहित भैया, मैंने तो परिवार के किसी भी सदस्य की किसी भी बात का इतना बुरा माना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो विराट सर के लिए आपकी चिंता थी। आप सब उनसे प्यार जो इतना करते हैं। करेक्ट। वैसे मोहित भैया, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ वहनी बोलिए ना। ये राजीव कौन है? राजीव? वहनी, राजीव का नाम बरसों से हमारे घर में नहीं लिया गया, आपको राजीव के बारे में कैसे पता चला? वो राजीव और शिवानी बुआ का साथ में कोई हिस्ट्री है क्या? हाँ वहनी, बुआ का दिल तोड़ा था राजीव ने। इनफैक्ट उन दोनों की तो शादी भी होने वाली थी, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन इतना जरूर याद है कि एक दिन आई ने मुझे आकर कहा कि अब उनकी शादी नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद आपने राजीव को देखा कभी? एक आध फंक्शंस में देखा था, उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। और वहनी अब तो मुझे याद भी नहीं कि वो राजीव कैसे दिखते। मुझे राजीव से मिलकर पता करना होगा कि आखिर क्या हुआ था और बुआ उनसे इतनी नाराज क्यों है। सही। हाय जीजू। हाय। पढ़ाई की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो सही, ये तुम्हारे फाइनल ईयर का लास्ट एग्जाम है। डोंट वरी जीजू, आई विल गिव माय 200%। मैं विराट सर को बहुत प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, उनकी वजह से मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, अपने आबा का सपना पूरा कर रही हूँ। ये सपना भले ही आबा का है, लेकिन इसे हकीकत बनाने में विराट सर की बहुत मेहनत लगी है। लेकिन तुम्हें सिर्फ विराट के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करनी है सही। डॉक्टर बन के लोगों की मदद करने का सपना तुम्हारा है। हाँ जीजू। थैंक यू। अरे वाह, आज घर में बहुत ही शांति पीस सुकून है, सही नहीं है क्या घर पे? वो जंगली मुर्गी कॉलेज गई है, वैसे भी अपने कॉलेज के अलावा उसके लिए और कोई चीज मायने कहाँ रखती है। बड़ी मामी, उसी कॉलेज के बदौलत कल सही ने विराट का इतना अच्छा इलाज किया। लगता है लोगों पर सही का जादू फिर से चढ़ने लगा है, सम्राट भी फिर से उसके दादा बन गए, अब तो ये उसकी हर बात की तरफदारी करेंगे। सही ने मेरे भाई की मदद की है, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, तरफदारी नहीं। और तुम क्या ये बात बात में मुझे ताने मारती रहती हो? तुम्हारा पति हूं, अगर इतनी चिढ़ती मुझसे तो उस दिन मेरी बाहों में क्यों आ गई थी? गलती हो गई थी मुझसे। कहीं गलती से ही तुमने मुझे विराट तो नहीं समझ लिया था ना? हाँ, लेकिन तुमने विराट का नाम लिया था ना? मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है सम्राट। तुम मुझसे भी किसी तरह की एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत रखना पत्र लिखा। मैं सही की तारीफ करूं या उसकी तरफदारी, उसके लिए तुम्हें मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जो तुम्हारा एजेंडा है ना सही के खिलाफ, इस बारे में मुझसे किसी तरह की हेल्प की उम्मीद मत रखना तुम। Thank you.
you enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.